मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्नेहल। और अगर आपको इंटरनेशनल क्वालिटी टिप्स देखने हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबाना। ये है मेरा पूरा किट, मैंने पूरा अनपैक करके दिखाया है आपको। अगर क्या क्या आइटम्स हैं देखना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और आपके किट के साथ मुझे फ़ोटोज़ यहाँ पे भेजना, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। कंपेयर करते हैं थोड़ा सा, चलो शुरू करते हैं अनपैकिंग। मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्नेहल। और इंटरनेशनल क्वालिटी टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी बटन दबाना, ताकि आपको पता चले जब भी मैं एक नया वीडियो डाल रही हूँ। आज मैं आपको मेरे किट बैग के अंदर सारा सामान निकाल के दिखाने वाली हूँ। पहले किट बैग के बारे में बात करते हैं। ये एक टीके की किट बैग है, मेरे महाराष्ट्र स्टेट एसोसिएशन से मिली हुई किट बैग है। आप ऊपर लोगो देख सकते हो महाराष्ट्र का, बाजू में भी एमसीए का लोगो है। ये किट बैग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि कॉम्पैक्ट है, मगर जब मैं ट्रैवल करती थी तब थोड़ा सा ज़्यादा सामान लगता था, तब मैं बड़ी किट बैग लेके जाती थी, पर फॉर लोकल प्रैक्टिस मैं ये किट बैग यूज़ करती थी। अब चलो अंदर देखते हैं। एंड फर्स्ट आइटम आई एम श्योर आप सबको देखनी है, मेरी बैट। एक स्पार्टन की बैट है, 1140 ग्राम्स स्टिकर्स निकाले हुए हैं मैंने, अच्छा वेट है, टेप लगाया हुआ है। एंड ये बैट मैं जनरली भी प्रेफर करती हूँ, आपने इस बैट को वीडियोस में भी काफ़ी देखा होगा। सो ये मेरी बैट है। नॉर्मली मैं दो बैट्स रखती थी ट्रैवलिंग करते समय, पर अभी फ़िलहाल मेरे किट बैग में एक ही बैट है। जो भी आइटम्स मैं आज किट बैग से निकाल रही हूँ, मैक्सिमम आइटम्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी। अगर आपको ऑनलाइन चेकआउट करना है, ख़रीदना है, तो आप चैनल को उस तरफ ही सपोर्ट कर सकते हो। आई थिंक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है कोन्स, मार्कर कोन्स। स्पेशली मी बीइंग अ फास्ट बॉलर, ये बॉलिंग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, डेंजर एरिया मार्क करने के लिए, टारगेट एरिया मार्क करने के लिए। सो ये बॉलिंग किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर मेरा थाई पैड और इनर थाई पैड, इनर थाई पैड बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो प्लीज़ कंसिडर करो, नहीं तो यहाँ पे ना ब्लैक और ब्लू मार्क्स आपको दिखेंगे। और ये है मेरे पैड्स, ब्लू पैड्स हैं, क्योंकि ये वही पैड्स है जो मैं इंडिया के लिए खेलते समय यूज़ करती थी। बास कंपनी के पैड्स है, वो मेरे किट स्पॉन्सर्स थे खेलते समय। ये है मेरे पैड्स, आई थिंक मैं यूथ साइज़ यूज़ करती थी क्योंकि मैं प्रेफर करती थी एक साइज़ स्मॉलर। वैसे ऑलमोस्ट 6 फुट की हूँ मैं, तो आई थिंक मेन साइज़ सही होता था, मगर यूथ साइज़ में यूज़ करती थी। फिर आया मेरा हेलमेट, जिसके अंदर मैं एक बैंडाना पहन के बैटिंग करती थी। सो स्पेशली जिन लोगों को थोड़ा सा पसीना ज़्यादा आता है, वो उनके लिए एक अच्छी आइडिया है कि आप अंदर बैंडाना पहन के बैटिंग करो। हमेशा मैं दो पैर ग्लव्स कैरी करती हूँ। ये मेरे ग्लव्स हैं, बास के ग्लव्स हैं। फिर एक बार यहाँ पे स्टिकर आप देख सकते हो उनका। दो पैर ग्लव्स, एक हेलमेट मैं हमेशा कैरी करती थी टूर पे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली अगर आप बॉलर हो, फास्ट बॉलर हो। मेजरिंग टेप हमेशा मेरे किट बैग में होती थी, क्योंकि मैं मेरा रन अप मार्क करती थी टेप मेजर से। बहुत अच्छी आइडिया है, इस पर एक अलग वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप एक फास्ट बॉलर हो तो एक 20 मीटर की टेप आपके पास ज़रूर रखना। और अगर आप बॉलर हो तो आपके पास ऐसा एक ख़जाना ज़रूर होगा। ये है मेरा ख़जाना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट बॉल्स। अगर आप एक फास्ट बॉलर हो तो आपके पास एक दो नए बॉल, सेमी न्यू बॉल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टी फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हो तो वाइट बॉल्स होने चाहिए। प्रैक्टिस और वीडियोस के लिए मैं ये ऑरेंज बॉल्स यूज़ करती हूँ। और ये बॉल्स आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे, जहाँ पे हमने एक तरफ टेप लगा के इन प्लास्टिक बॉल्स को स्विंग कराया था। और पुराना बॉल भी बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए, उस पर शायद एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी। सो अगर मेरे मेंटर हमेशा कहते थे कि
हमेशा बैग में आपके पास एक न्यू बॉल, सेमी न्यू बॉल और एक ओल्ड बॉल, अगर आप फास्ट बॉलर हो तो ये बेयर मिनिमम बिल्कुल होना ही चाहिए आपके पास। तो ये है मेरा कलेक्शन, छोटे बॉल्स ये हो गए, उसके साथ एक बड़ा बॉल भी होता है मेरे किट बैग में। ये एक 8 पाउंड का मेडिसिन बॉल है, फ्लेक्सिबल मेडिसिन बॉल है जो मैं बेसिकली एक्सरसाइज के लिए यूज़ करती थी, डायनामिक्स एक्सरसाइजेस, एडवांस लेवल एक्सरसाइजेस जो शायद मैं एक दिन आपको दिखाऊंगी, जैसे मेडिसिन बॉल थ्रोज, काफ़ी अलग अलग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। मेरे फिटनेस ट्रेनर के साथ शायद इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, पर हाँ ये मैं टूर पे भी कैरी करती थी। इस बड़े मेडिसिन बॉल के साथ एक छोटा मेडिसिन बॉल भी होता था मेरे पास, ये आई थिंक 1 किलो का मेडिसिन बॉल है, जेल मेडिसिन बॉल है, तो इसे मैं बाउंस कर सकती हूँ, और ये मैं बॉलिंग वार्म अप्स के लिए यूज़ करती थी, भारी बॉल के साथ एक ओवर डाल के फिर मैं लाइट बॉल पे जाती थी, तो वो एक अच्छा वार्म अप बन जाता है। फिर आते हैं मेरे मुख्य हथियारों पे, और बैट्समैन के लिए बैट है मगर एक फास्ट बॉलर के लिए मेरे शूज़, ये एक नया पैर है नाइकी बॉलिंग शूज़, मैंने अभी तक इनको इस्तेमाल नहीं किया है, नाइकी डोमिनेट 2 फुल बॉलिंग स्पाइक्स मेरे साइज़ में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर में, ये मैं नया पैर निकालने वाली हूँ, अभी तक इनको ब्रेक इन नहीं किया है, आम तौर पे मैं एक दूसरा पैर इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैं प्रैक्टिस में यूज़ कर रही हूँ, पर ये मेरे नए शूज़ हैं। सो इन्हें यहाँ रख के मेरे प्रैक्टिस शूज़ निकालते हैं, और मेरे प्रैक्टिस शूज़ हैं A6 के जेल शूज़, आप देख सकते हो कि ये काफ़ी पुराने हैं, इसलिए मैं इन्हें ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज़ करती हूँ, और तो आगे से कट किया हुआ है, मेरे सारे बॉलिंग शूज़ को ऐसे मुझे कट करना पड़ता है। अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बताओ, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। सो दो पैर शूज़, कभी कभी 3 पैर मैं टूर पे कैरी करती थी, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर ये शूज़ मेरी ज़िंदगी है। शूज़ के अंदर जाते थे ये इनसोल्स, अब मेरे फीट थोड़े से ज़्यादा अंदर की तरफ मुड़ते हैं, इसलिए वो करेक्ट करने के लिए मैं शूज़ के अंदर ये इनसोल्स लगाती थी, और इस ये इस्तेमाल करने के वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता था, शिन पेन जो मुझे होता था काफ़ी कम हो गया इसके वजह से। साइड पॉकेट्स भी हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं, और हर बॉलर के साइड पॉकेट में आपको ये ज़रूर मिलेगा एक स्पैनर, जिससे आप स्पाइक्स शूज़ के लूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पाइक्स, ये हाफ स्पाइक्स मैं रखती थी, ताकि पीछे के स्पाइक्स निकाल के, मेटल स्पाइक्स निकाल के मैं प्लास्टिक स्टड्स लगा सकती थी, पर मेटल स्पाइक्स भी एक्स्ट्रा बहुत सारे होते थे मेरे पास। सो ये हमेशा फास्ट बॉलर के किट बैग के साइड पॉकेट्स में आपको ज़रूर मिलेगा। और लास्ट कुछ छोटे मोटे आइटम्स जैसे स्किपिंग रोप, ऑलवेज यूजफुल फिटनेस ट्रेनिंग के बीच, ग्रिप कोन और ग्रिप्स, अब बैटिंग ग्रिप्स के बारे में वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप वो भी ज़रूर देखना, एक नैपकिन, जिम ग्लव्स, और साइड पॉकेट में योगा मैट। सो दैट्स इट, ये है मेरी पूरी किट बैग, ये है मेरी दुनिया, ये है मेरे हथियार, ये है वो सब सामान जिसने मेरा साथ दिया है इस क्रिकेट के सफ़र पे। आई एम श्योर आप सब के लिए आपका किट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपका किट भी ऐसे निकाल के सजा के मुझे फ़ोटो भेजना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी टैग करना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, और आपके दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताओ। चलो अगले हफ्ते मिलते हैं, नया वीडियो आता है हर वीक, सो बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग and enjoy your cricket.